इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कार सेवा डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तरसेम सिंह नानक मत्ता साहिब परिसर के पास ही कार सेवा डेरा मुख्यालय में रहते थे। आज सुबह करीब 6 बजे अज्ञात हमलावरों ने मुख्यालय परिसर में ही बाबा तमसेर सिंह की 3 गोलियां उन्हें मारी। पुलिस को हथियारों का सुराग अभी तक नहीं मिला। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक 2 हमलावर बाइक पर आए, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में उन्होंने 1 महीने पहले ही अपनी हत्या की आशंका जताई थी। सीसीटीवी में हथियारों की तस्वीरें कैद हुई है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से उनका विवाद चल रहा था। अंकित शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी हत्या का दर्द उन्हें लगा, आशंका हुई, लेकिन बावजूद इसके क्या सिक्योरिटी नहीं मिली? पुलिस के हाथ अभी क्या सबूत लगे? जी अर्पिता, देखिए बिल्कुल जैसा कि फेसबुक पोस्ट पर भी देखा जा सकता है, उन्होंने अपने एक पोस्ट पे लिखा था और उसको पब्लिक भी किया था कि उनको संपत्ति के विवाद में झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, और पहले भी ऐसे कुछ मामले थे जिसमें उनको फंसाया गया था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और मेरे बारे में अनल गनल बातें की जा रही हैं, इसके साथ साथ मेरी जान को भी खतरा है। और जो प्रमुख हैं तरसेम सिंह, वो मुख्यमंत्री के भी काफी करीबी माने जाते हैं, और मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना होना एक बड़ा सवाल पैदा करता है कानून व्यवस्था पर। अभी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है, पुलिस जो है इस समय एसटीएफ के माध्यम से तलाश जारी कर रही है और साइलेंट को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूरा माहौल जो है इस समय अफरा तफरी का है। और सवाल उठ रहा है कि उत्तराखंड में इस तरह के जो दिन दहाड़े हत्या हुई है, सुबह 6:15 के आसपास ये घटना बताई जा रही है नानक मत्ता गुरुद्वारे परिसर में जिस तरह से घटना हुई है, उससे उत्तराखंड पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट को लेकर जाहिर है सवाल उठते हैं। और इसमें ये देखने की बात होगी, जब उन्होंने पहले ही 1 महीने पहले जब ये पोस्ट लिखा था तो उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, और अगर दी गई थी तो इस समय वो जिस तरह से हमला हुआ है वो साफ इशारा कर रहा है कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। अर्पिता, और ये सीसीटीवी तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये बाइक, इस बाइक पे बैठे ये 2 बाइक सवार, ये वहां देखिए पहुंचते हैं। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां कुर्सी पर तनसेम बैठे थे और उसी समय ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर वो वहीं बाइक से निकल जाते हैं। उसके पीछे एक शख्स भी है, वो आता है, हालांकि बचाने की कोई कोशिश का मौका ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि अचानक से आना और ताबड़तोड़ गोलियां चला के वहां से ये दोनों फरार हो गए हैं। बाइक से ये 2 हमलावर वहां पहुंचे और ये सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जो है वो आगे की जांच चल कर रही है। अभी तक ये कौन है कुछ अभी इस बारे में जानकारी हाथ नहीं लग पाई है, लेकिन ये आशंका पहले ही इनकी तरफ से जताई गई थी कि उनकी हत्या हो सकती है।